आप सभी ने ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो सुना ही होगा और ज्यादातर लोगों ने मूवी देखी भी होगी। मूवी के मुख्य किरदार आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसके तो आपने कई इंटरव्यू देख लिए होंगे, पर मूवी का एक किरदार जिसने मनोज शर्मा को IPS मनोज शर्मा बनने की प्रेरणा दी, जिसकी वर्दी देखकर मनोज ने IPS बनने का सपना देखा और जिसके कहे हुए शब्दों ने मनोज की जिंदगी बदल दी। हम बात कर रहे हैं उस SDM की जिसने मुरैना जिले के जौरा में रहते हुए मनोज के स्कूल में चल रही नकल पर छापा मारा था, जिसके बाद में मनोज उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने उस समय ही ये मन बना लिया कि वो भी आगे जाकर ऐसी वर्दी पहनकर कोई पुलिस ऑफिसर बनेंगे, जिसके बाद में आज मनोज शर्मा IPS ऑफिसर है। लेकिन वो SDM विकास मिश्रा आज कहाँ है? तो हम आपको बता दें कि विकास मिश्रा आज मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के कलेक्टर हैं और वो उसी तरह से आज भी कार्रवाई करते हैं जिस तरह से उन्होंने मनोज के स्कूल पर की थी। ट्वेल्थ फेल मूवी के विकास मिश्रा ने एक बार फिर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नकलचियों पर शिकंजा कसा है। दरअसल आपको बता दें कि डिंडौरी कलेक्टर ने धमनी परीक्षा केंद्र पर छापा मारा है। 4 नकलची पकड़ाए गए हैं और परीक्षा केंद्र में तैनात शिक्षकों को हटाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूल के नाम पर बोर्ड परीक्षा में खेल चल रहा था, जिसके बाद में प्राइवेट स्कूल की मान्यता रद्द करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ऐसा पहला मामला नहीं है जब ट्वेल्थ फेल मूवी के विकास मिश्रा ने ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई की हो। एक और इसी प्रकार की घटना है जब डिंडौरी जिले के बजाग स्थित उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में आयोजित एक कार्यक्रम में कलेक्टर विकास मिश्रा उपस्थित हुए थे। वहां पर एक शिक्षक विजय भारवे ने उनसे कहा कि वे घर से प्रण लेकर आए हैं कि DM को मारेंगे। जैसे ही ये घटना हुई तो इसके बाद में विकास मिश्रा को बताया गया कि शिक्षक का 12,000 रुपए एरियर भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो इन दोनों परेशान हैं। बता दें कि ये शिक्षक कई दिनों से स्कूल में उपस्थित रहा था, जिसके कारण उसका भुगतान काटा गया था। इस बात का जैसे ही कलेक्टर को पता चला तो उन्होंने शिक्षक के ऊपर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।